हेलो एवरीवन, ये कम्युनिकेशन यानी संचार का हमारा दूसरा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप के कम्युनिकेशन के बारे में। तो कम्युनिकेशन को हम बहुत सारे तरीकों से क्लासिफाई कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे कि वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ओरल, रिटन आदि। पर सबसे कॉमन एक क्लासिफिकेशन है कम्युनिकेशन की, वो बेस्ड है कि कितने लोग कम्युनिकेशन में भाग ले रहे हैं, कितने लोग कम्युनिकेशन में हिस्सा ले रहे हैं। इसके बेस पे आप कम्युनिकेशन को क्लासिफाई कर सकते हो, जैसे कि इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन, ट्रांस पर्सनल कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। तो इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन जो है, इसमें हम अपने आप से बात करते हैं, जैसे कि हम कुछ सोच रहे हैं, डे ड्रीम, कुछ प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं। तो जब हम कुछ सोचते हैं या डे ड्रीम करते हैं, कुछ प्रॉब्लम सोल्व कर रहे होते हैं, उस समय हम बेसिकली इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। और कुछ रिसर्चर, कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं कि सभी फिजिकल फीडबैक मैकेनिज्म जो हमारी बॉडी में होती हैं, लाइक हमें भूख लगती है, पेन महसूस होता है, खुशी महसूस होती है, वो सभी भी इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं। इसके अलावा जब हम चिंतन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, वो सभी भी आपका इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर में आते हैं। अब बात करते हैं इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन। इंटर पर्सनल संचार जो है, वो तब लागू होता है या तब शुरू होता है जब दो या दो से अधिक लोग बैठ के बात करते हैं। ये कम्युनिकेशन का सबसे अच्छा तरीका है जब हम फेस टू फेस, आमने सामने बैठ के किसी टॉपिक पे बात करते हैं, कोई इंटरव्यू लेते हैं, किसी भी चीज़ पे डिस्कस करते हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में ना केवल हम शब्द यूज़ करते हैं, बल्कि इशारों से भी बात करते हैं। इस कम्युनिकेशन में हमारी सभी सेंसेस काम करती हैं। और सबसे अच्छी बात ये है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की कि हमें फीडबैक मिलता है। जब हम किसी पर्सन से बात करते हैं तो वो हमें रिप्लाई करता है, उत्तर देता है, फीडबैक देता है, चाहे वो अपने इशारों से हमें बात समझाए या फिर बोल के बताए। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में फीडबैक एक महत्वपूर्ण शब्द है कि जब भी हम किसी से इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन करते हैं तो उसका हमें फीडबैक मिलता है। अब बात करते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन। तो ग्रुप संचार, जैसे कि नाम से ही आपको पता है, जब बहुत सारे लोग बैठ के बात करते हैं, किसी चीज़ पे डिस्कस करते हैं, कोई मीटिंग करते हैं, तो उस टाइप के कम्युनिकेशन को ग्रुप कम्युनिकेशन कहते हैं। तो ग्रुप कम्युनिकेशन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ग्रुप का साइज़। जैसे जैसे ग्रुप का साइज़ बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ग्रुप कम्युनिकेशन कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ग्रुप कम्युनिकेशन में कि हम किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करें, यानी कि सभी लोग एक ही टॉपिक पे बात करना चाहें तो ग्रुप कम्युनिकेशन जो है वो सबसे इफ़ेक्टिव होता है। ग्रुप कम्युनिकेशन का जो आप कह सकते हो इफेक्टिवनेस है, वो डिपेंड करती है कि ग्रुप का साइज़ कितना है, किस जगह पे मीटिंग हो रही है और कैसे रिलेशनशिप हैं उन सभी ग्रुप के मेंबर के जो उस ग्रुप डिस्कशन में, ग्रुप कम्युनिकेशन में भाग ले रहे हैं। ग्रुप कम्युनिकेशन में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, कुछ महत्वपूर्ण कंडीशंस होती हैं, लाइक ग्रुप कम्युनिकेशन में लीडरशिप होनी चाहिए। कोई एक लीडर होगा उस ग्रुप का जो इनिशिएट करेगा ग्रुप कम्युनिकेशन को। उसके बाद में सभी को राइट होना चाहिए कि सभी लोग अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकें।
ठीक है, सभी का अपना रोल होगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि सभी का डिस्कशन करने का केवल एक ही कॉमन गोल होना चाहिए, सभी का एक ही कॉमन फोकस होना चाहिए, और उस ग्रुप डिस्कशन के, ग्रुप कम्युनिकेशन के कुछ नियम होने चाहिए, कुछ नॉर्म्स होने चाहिए। अब लास्ट में हम बात करते हैं मास कम्युनिकेशन की। तो मास कम्युनिकेशन जो है उसका रोल तब शुरू होता है जब हमें अपना मैसेज किसी भी अन्य पर्सन को या उसकी निश्चित जगह पे पहुंचाने के लिए एक हेल्प की, एक सोर्स की ज़रूरत होती है, एक मीडिएटर चाहिए जो मेरी बात को आप तक पहुंचाए। तो जो मीडिएटर है वहीं पे मास कम्युनिकेशन का काम शुरू हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली मास कम्युनिकेशन एक मीडिएटर के माध्यम से कम्युनिकेट करने को कहते हैं। मास कम्युनिकेशन बहुत सारी चीज़ों को अफेक्ट कर सकता है, लाइक हमारे परसेप्शन ऑफ इशू को, इवेंट को, लोगों की सोच को। इसीलिए मास कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। थैंक यू। आप ये सारे लेक्चर इस चैनल के प्लेलिस्ट यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट में जाके देख सकते हैं। उसमें हम यूनिट वाइज सारे लेक्चर जो हैं वो अपलोड कर रहे हैं। अगर आपके कुछ सजेशंस हैं हमारे लेक्चर से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बता सकते हैं। सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए।